इधर प्रधानमंत्री के आह्वान पर मंदिरों के आसपास स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। वही 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आयोजन भी किए जाएंगे। इसको लेकर उज्जैन कृषि उपज मंडी को भगवा ध्वज से सजाया गया है और 22 जनवरी को सुबह 9 बजे से मंडी प्रांगण स्थित भगवान श्री गणेश जी के मंदिर पर सुंदरकांड व हवन होगा, जिसके बाद अयोध्या में होने जा रहे भव्य महोत्सव का लाइव प्रसारण देखेंगे। इस मौके पर मंडी व्यापारी अधिकारी और राजनीतिक पार्टियों के नेता भी मौजूद रहेंगे। भगवान श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत की है। आज हमने यहाँ पे स्वच्छता अभियान जोर शोर से चलाया। सबसे पहले हमने सर्वप्रथम मंदिर की सफाई करी। सफाई करने के बाद हमने यहाँ पे पूरे मंडी प्रांगण को भगवा ध्वज से सजाया है, भगवा लिंगियों से सजाया है, भगवान श्री राम के बड़े बड़े कटआउट लगाए हैं और स्वच्छता संदेश हमारे माननीय मोदी जी ने पूरे देश को यह आग्रह भी किया है कि सब अपने अपने क्षेत्र के मंदिरों में साफ सफाई करके स्वच्छता अभियान चला के यह कार्यक्रम जोर शोर से मनाएं। उन्हीं के निमित्त हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। आज हमारे मंडी में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का के निमित्त आज कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें माननीय विधायक जी अनिल जैन कालवेड़ा, माननीय विधायक जी सतीश मालवी जी, माननीय भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह जी बोरमुंडला, समस्त अतिथिगण पधारे और हमने उनका माला और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। 22 तारीख को भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हम लोग सुबह 8:30 बजे सुंदरकांड का आयोजन करेंगे, 11:30 बजे भगवान श्री राम की महाआरती का आयोजन करेंगे, महाआरती के पश्चात महाप्रसादी का वितरण करेंगे।